अस्सलाम वालेकुम माय प्रोज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज के साथ खुशोखरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हमारी न्यू वीडियो आ चुकी है विच इज़ क्लास 19 माशाल्लाह। ठीक है, क्लास 19 में आप लोगों को मैं एक टास्क भी देती जाऊंगी और हम थोड़ा सा न्यू वर्क भी करेंगे। ठीक है, अब क्लास 19 में आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, कहीं भी रफ सी जगह पर नोट डाउन कर लो। क्लास 19 में आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली क्लास जो आप लोगों की 6 है, क्लास 6 करनी है कौन से। ठीक है, बिना उसके ऊपर ग्लास रखे डायरेक्ट करना है। इसके अलावा आप लोगों को जो है वो क्लास 7 करनी है। ठीक है, क्लास 7 करनी है आप लोगों को यहाँ पर। अब क्लास 7 में क्या करना है, ये वाला आप लोगों को मैंने बंच बताए थे, ये दो बंचेस बताए थे क्लास 7 में, तो आप लोगों को बस ये दो बंचेस करने हैं। ठीक है, इसके ऊपर प्लेस करके भी रखना है। पहले आप इसके ऊपर मिरर प्लेस करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने एक मिरर प्लेस करना है, मिरर प्लेस करके आप लोगों को वर्क करना है। और इसके अलावा ग्लास, और इसके अलावा आप लोगों को फिर प्लेस करने के बाद हटा कर भी करना है। ठीक है, तो आज जो है आप लोगों को सिंपली बताने का मेथड है, 1 और 2 ग्लास रख के और फिर ग्लास हटा कर करना है, और एक हम बंच करेंगे जो कि हम डायरेक्ट करेंगे डायरेक्ट ग्लास के ऊपर। ठीक है, तो अब जो है वो हम डायरेक्ट क्लास न्यू बंच के ऊपर आते हैं जो हम डायरेक्ट ग्लास के ऊपर करने वाले हैं। 19 का जो वर्क है वो हम यहाँ पर पहले लिख देंगे। ठीक है, क्लास 19 में हमें क्या करना है, क्लास 7 करनी है हमें। ठीक है, ग्लास पर ऑब्वियसली कौन से होगी। ठीक है, 5 times। अब आप रख के करो, हटा के करो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, बस ये जो है वो क्लास आपको करनी है 5 times। इसके अलावा हम जो है वो न्यू बंच डायरेक्ट क्रिएट करेंगे उस पर क्लास पर। ठीक है, ये इस तरीके से नोट कर लोगे तो आप लोगों के पास एक वो आ जाएगा, रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, न्यू बंच ग्लास पर करेंगे डायरेक्ट क्रिएट। ओके, अब हम आते हैं ग्लास पर। चलें जी, तो आ गए हैं हम ग्लास की तरफ। अब हमें डायरेक्ट काम करना है ताकि अब हमारी डायरेक्ट प्रैक्टिसिंग भी स्टार्ट हो जाए। सही है, इसके लिए सिंपली हम जो है वो जो भी मैं आप लोगों को बंच बताऊंगी वो आप लोगों ने बनाना है एज इट इज़। ठीक है, और अगर आप कोई खुद से क्रिएट करके भी मुझे बताएगा, मतलब भाई जैसे आप फारिग बैठे हो, आपने कोई खुद से क्रिएट किया है वो भी अगर आप मुझे बताओगे तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, यानी कि आप खुद से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरी तरफ से अलाउ है बिल्कुल। सही, अब यहाँ पर हम लेते हैं स्टार्ट। स्टार्ट लेने के लिए ऑब्वियसली मैं यहाँ पर लूँगी, यहाँ पर सबसे पहले हम एक कर देंगे राउंड। ठीक है, इस तरीके से राउंड क्रिएट कर देंगे नीड्स। ओके, इसके बाद व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट इज प्लेसिंग आवर डॉट्स। थोड़ा करीब करीब, ठीक है, डॉट्स को मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो कि देखो अभी तक मुझसे होती हैं तो आप लोगों से भी होती ही होंगी जो मुझे ये कह रहे हैं कि ऐसा होता है, तो देख लो मुझसे भी मिस्टेक हो गई है, तो सबसे होती है, इट्स जस्ट नॉर्मल। ठीक है, हो गया मैनेज। ठीक है, इसके बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, इसको हम करेंगे एक आउटलाइन। देखो कहीं से पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी यहाँ पे लाइन ब्रेक हुई थी। ओके, फिर यहाँ पर मैं प्लेस करूँगी 3। अच्छा, ये आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने वापस ग्लास पे शुरू किया है, वरना बहुत सालों से जो है वो मैंने ग्लास छोड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं अब डायरेक्ट हाथ भी करी, देख लो अब जो मिस्टेक्स होंगी वो मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि ये सफी से होती है तो आप लोगों को इसकी कवरेज आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं अपने मिस्टेक्स को हाइड नहीं करूँगी, जो भी मुझसे मिस्टेक होगी आप लोगों के सामने ही कवर करूँगी। ठीक है, ये हो गया, गौर से देखना, ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ पर से यार हार्ड शेप ना इसको बोलते हैं। ठीक है, एक दो तीन, भी मैं नया कोन नहीं, मतलब कोन से नहीं निकाल रही हूँ, इस डिज़ाइन के अंदर से ही मैं फिलिंग ला रही हूँ। जब आप हाथ पे भी करोगे तो ऐसे ही करोगे। सही है, टास्क आई होप कि आप लोगों को समझ में वो वाला आ गया।
सही है। इसके बाद व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, इस तरीके से, ठीक है, बिस्मिल्लाह, ठीक है, अगेन लाइन, ठीक है, फोन थोड़ा सा पतला चलाएंगे हम। अब तो ये चीज़ें तुम लोगों को हटा के करना आ ही गई होगी, ठीक है। अब देख लो मैं डायरेक्ट कौन से ड्रॉ कर रही हूँ। अब हम डायरेक्ट फोन पर आ गए हैं, अब मेरी जो गर्ल्स हैं वो आगे बढ़ गई हैं। राउंड बनाया, गौर से देखो किस तरीके से बना रही हूँ, ठीक है। यहीं से गोल किया अंदर की तरफ, अभी जो लाइंस ख़राब हुई हैं इसको मैं नीट कर दिया, सही। यहीं पर रोक कर इसके ऊपर थोड़ा सा दूर से यहाँ से लाइन स्टार्ट की, कौन रुक गया मेरा बीच में, ठीक है, कौन बहुत इरिटेट कर रहा है। देखा मैंने क्या किया, अब बनानी है हमें नेट, पतली पतली बिल्कुल, ठीक है, समझ आ रही है, थोड़ा सा गैप के साथ। एकदम से अगर अपन मर्ज करने पे हम आ गए ना तो हमसे नीटनेस हमारे काम में नहीं आई है, सही, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा गैप से वो उतरी, लेकिन थोड़ा गैप के साथ, ठीक है, ऐसे, सही। यहाँ पर मैं बना दूँगी मेरा फेवरेट लीफ। अब तो ये सबको बनाना आ गया है और बहुत अच्छा से बना लेते हैं हम सब, ठीक है। इधर से भी, अब इसको थोड़ा सा मोटा करेंगे, ठीक है, सेंटर से हम इसको ब्लैंक रखेंगे, सही, नज़र आ रही क्लियर, ठीक है। इसके बाद एक बैंक, सही है। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है इधर, वी आर गोइंग टू मेक एक यू फिलिंग। अच्छा, फिलिंग साथ साथ रखना, बहुत सी जगहों पे ये चीज़ मैंने देखी है, बहुत सी मेहंदी आर्टिस्ट करती हैं, कि मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है, वो उसमें कंफर्टेबल होंगी, बट बेटर है कि अगर आप साथ साथ करो तो उसमें ज़्यादा, क्योंकि आजकल जो कोन्स है ना उनमें आप जो चीज़ बाद में करते हो तो उस पर कलर डिफरेंस का इशू आता है, और दूसरा फिर लगाने में भी बाद में फिलिंग में भी तकलीफ होती है। आप जब हाथ उठा के भी अगर करते हो तो काम की जो खूबसूरती है, अगर आपने बहुत प्यारा भी क्रिएट किया होता है तो फिलिंग के चक्कर में अक्सर हाथ लग के वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। मुझे तो सीधी बात है, मुझे मैनर्स नहीं है बाद में फिलिंग करने की, अगर आप लोगों में हैं तो यू कैन, ठीक है। उसे हमें थोड़ा सा और ठीक करना है, अंदर की तरफ से ही करेंगे, सही। इधर इसके अराउंड एक और लाइन, जितना गैप होगा ना उतनी प्रोमिनेंट, कुछ ज़्यादा करीब करीब ही एकदम से अगर आप बनाने लगते हो तो आपका वो नीट रेशो ख़राब हो जाएगा, सही, ठीक है। सामने बड़ा प्यारा लग रहा है। यहाँ पर फर्दर अब मैं इसको डॉट सिर्फ हम प्लेस करेंगे, ठीक है, ऐसी अंधी में, सही है, ये मैं कोई लोकेट करके नहीं लगा रही हूँ, ऐसे ही चला रही हूँ, कौन से पता चल रहा होगा, सही। अब यहाँ की बारी आती है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइंस बनाएंगे। कैसे लाइंस बनाएंगे, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है, यहाँ से आप एक लाइन निकालोगे डॉट्स के साथ, पहले हम इसको डॉट्स करेंगे, ठीक है, थोड़े से अब आप डॉट्स अपने बढ़ाते जाओ, सही, एक और। अच्छा, मेरा कोन ने अब जो है वो ज़रा फैल रहा है, पानी वाला हो रहा है, ऐसे इश्यूज़ में आप कोन को ज़रा सा एहतियात रखें कि आपने फ्रिज में ना रखा हो, ठीक है। अभी सर्दियां तो कोन इतना नहीं फैलेगा, गर्मी में बहुत फैलता है, सही। ये चीज़ बिना हमने लाइन ड्रॉ किए एक थिक लाइन बनाई और यहीं पर आप कर दोगे फिलिंग टेक्स्चर्ड, हो गया, ठीक है। इसके बाद इसे हमें ये वाला राउंड शेप लगाना है, ठीक है, लाइन स्टार्ट करके अंदर से घुमा के गोल स्टार्ट, अंदर से घुमा के गोल, ठीक है। हम हाथ पे भी आएंगे लेकिन आराम आराम से, कोई भागने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चलो, सुकून से चलो। अभी आप लोग देख रहे हो ना ही मैंने शीशा प्लेस किया है, ना ही मैं कोई डिज़ाइन देख रही हूँ, इट्स रीमेक। अच्छा, आप लोगों को बताते हुए अभी सोच के नहीं बैठती मैं, ठीक है, हो गया,
इतना सा बंच बना, अब ये भी आप ये केरी भी अलग से बना चुके हो, ये अलग बना चुके हो, ये बना चुके हो, ये बना चुके हो, सब आपने अलग अलग बना लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट डिजाइन क्रिएट करना सीख रहे हैं, सही है। ये चीज़ हो गई, अब ये चीज़ करने के बाद इधर पतली सी यही वाली रॉ लगेगी, जैसे कि जब हमें बंचेज वाली हम कोई बेल लगा रहे होते हैं या फिर हम है ना चौड़े पट्टे जो लगाते हैं, इट्स लाइक दिस, ठीक है। इसको मैं कंप्लीट करूँगी, सही है। अब जहाँ मेरी ये चीज़ अप एंड डाउन हो रही है ना, वहाँ देखो ये चीज़ भी अप एंड डाउन हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपकी अगर होती है तो ये ख़राब नहीं है, ये और ज़्यादा अगर डिज़ाइन के साथ आप बह रहे हो तो फिर वो बहुत अच्छा भी लगता है, ठीक है, फिनिश लुक भी आता है। अब इसको मैं बेल नहीं बनाऊंगी फर्दर, मैं इसको कुछ इतना हेड नहीं करूंगी, बड़ा नहीं करूंगी। अब एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी, ये जो हमने एक यूँ बनाते हैं ना, यूँ बनाते हैं, ये चीज़ पहले एक डॉट करके उठा लिया, वापस बताऊंगी, डॉट किया उठा लिया, डॉट राउंड 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 उठा लिया, उठा लिया, डॉट राउंड उठा लिया, डॉट राउंड उठा लिया, डॉट राउंड उठा लिया, समझ आया, ठीक है। अब ये आपने यहाँ पे बना दिया, कहीं भी बना दिया डिपेंड्स, लेकिन आपने ग्लास पे बनाना है, ठीक है। ये चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, ये है आप लोगों का नन्ना मुन्ना से छोटा सा टास्क जो आप लोगों को मेरे साथ करना है, ये आप लोगों को सिंपली करें। अब हम ग्लास पर आए हैं, डायरेक्ट ग्लास करेंगे, अब हमने कॉपी बंद कर दी, ठीक है। काम मैंने आप लोगों को कॉपी पर लिख के बता दिया है, जो आप लोगों को अपनी कॉपी पर नोट करना है, बहुत सिंपल है। होप्स हो कि आप लोगों को आज का काम समझ में आए, आप लोग टाइम पे करो, मुझे सबमिशन ज़रूर करो, और जो भी कुछ डिज़ाइन क्रिएट करेगा बहुत अच्छा होगा, आप लोग डिज़ाइन क्रिएट करके मुझे बहुत इजीली सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे, होप्स हो कि आप लोगों को काम समझ में आए, आप लोग मुझे टाइम पे सबमिट करो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, और अगर कोर्स में मज़ा आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करवाओ, ज्वाइन करवाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ ज्वाइन होकर सीखना शुरू करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू शेयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।